दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह एमसीए दफ्तर से लाइव है और विजिलेंस ने छापा मारा है, किसी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, ऐसी खबर आई है। तो आइए हम आपको लाइव दिखाएंगे। सर नमस्कार, क्या हाल है सर? अच्छा बढ़िया जी। हो रही कार्रवाई, क्या हाल है जी? बढ़िया। अच्छा पकड़ लिए, रंगे हाथों पकड़ा है ना। बहुत बधाई आपको, बधाई। काफ़ी शिकायत मिल रही थी यहाँ से, विजिलेंस की टीम है और इन्होंने अभी कार्रवाई की है, रेड हैंडेड पकड़ा है और ऐसी खबर हमारे पास आई है। और जो शिकायत करता है उनसे भी संपर्क हुआ था तो उन्होंने भी बताया था भाई ऐसा कुछ होने वाला है। सर नमस्कार, क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा क्या था मैटर? मैटर ये था कि मैं अपने वो बनवाने गया था, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आया था 9 तारीख को। मेरा शुभ नाम है संजीव भाटिया। हाँ संजीव भाटिया जी। हाँ जी, आइए कार्रवाई कीजिए, आइए हम बार बात करते हैं, कोई बात नहीं। संजीव जी हैं, कह रहे हैं भैया रिश्वत मांग रहा था और हमने विजिलेंस को शिकायत दी, पकड़वा दिया है भैया जी। डरो मत, खुल के पकड़वा दिया। कितना मांगे थे कल? अच्छा तो हमने 5,000 रुपए है, अभी 5 बाद में दे देंगे। अच्छा तो अच्छा। बोल रहा था 5 दे जो, 5 बाद में दे दूंगा। तो आपने दे दिया? 5 दे दिए। अच्छा पकड़वा दिया ना रंगे हाथों। तो देख रहे हैं विजिलेंस की टीम कार्रवाई कर रही है यहाँ पर, अभी जो है छापा मारा थोड़ी देर पहले और 5,000 रुपए रिश्वत देते हुए पकड़ लिया। तो सुबह ही हमारे पास भी खबर आ गई थी और हमने सोचा था चलो जैसे ही रेड मारा जाएगा आपको लाइव दिखाएंगे। फिलहाल अभी कार्रवाई चली रही है, आप लोग देख रहे हैं विजिलेंस की यहाँ पर टीम है और काफ़ी लोग भी यहाँ पर जमा है। जैसे इनको पता चला यहाँ पर छापा पड़ रहा है और किसी को पकड़ा जा रहा है तो लोगों में एक उत्सुकता होती है कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है, तो लोग यहाँ पर बाहर जमा हैं। तो जैसे ही अभी उनका नाम पता चलता है जिनको पकड़ा गया है, अभी आपको लाइव दिखाएंगे, देखते हैं लाइव कैमरे पर उनको ले आते हैं या नहीं ले आते हैं। क्योंकि हमने जैसे लाइव किया तो जो शिकायत करता है उनको अंदर बुला लिया गया, भाई आप अभी अंदर आ जाओ, अभी आप बयान मत दो, हो सकता है कोई जांच पड़ताल चल रही हो और हो सकता है उसके बाद उनका पूरा बयान सामने आए। बाकी विजिलेंस की टीम यहाँ पर मौजूद है तो देख सकते हैं, जो भी अपडेट होगी आपको बताएँगे। फिलहाल रेड हुई है, पकड़ा गया है और आगे क्या होता है वो भी आपको बताया जाएगा। बुला रहे हैं तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो है एक रेड चल रही है और अभी आपको दिखाते हैं, जैसे उनको बाहर लाते हैं आपको बताएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी लोग भी जुट रहे हैं तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं। जैसे लोगों को खबर लगी कि यहाँ पर रेड चल रही है और किसी को पकड़ा गया है तो लोग यहाँ पर जुट रहे हैं, जमा होने शुरू हो गए हैं। तो एमसीएफ का कर्मचारी है जो रिश्वत मांग रहा था और एक आदमी परेशान था और उसने विजिलेंस को कंप्लेन कर दी और उसके बाद ये कार्रवाई चल रही है। और अभी भी देखिए अंदर हैं लोग, अभी भी बातचीत चल रही है, पूछताछ चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगी आपको बताएँगे। तो बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं और लोगों में उत्सुकता होती है भाई किसको पकड़ा है, तो जैसे ही अभी उनको बाहर लाएंगे आपको हम दिखाएंगे। शिकायतकर्ता से बात आधी हुई है और आधी अभी थोड़ा बाद में बातचीत होगी, तो नाम वाम हर चीज़ पूछेंगे, हर चीज़ पता करेंगे और ये भी पूछेंगे किस पर्पज़ से ये रिश्वत मांगी जा रही थी। आप लोग जानते हैं, हाँ क्या नाम है भाई सब जिनको पकड़वाया आपने? अरुण भाटिया जिनको पकड़वाया है 5,000 देते हुए। अच्छा तो क्या बनवा रहे थे आप इनसे? सर्टिफिकेट था एक जन्म प्रमाण पत्र का। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था। अच्छा इन्होंने बोला पैसे दो तभी बनेंगे। 10,000 रुपए। 10,000 रुपए तो आपने बोला वही 5,000 रुपए उसने दिए ना। अच्छा संजीव भाटिया जी। बिल्कुल जी। अच्छा तो विजिलेंस को आपने कंप्लेन कर दी? उसने पकड़ लिया, अरेस्ट कर रहे हैं, रेड हैंडेड पकड़ लिया। तो कोई और भी आया है जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह नियुक्त करते हैं? सारी टीम आई है। अच्छी कार्रवाई कराई आपने, ऐसी कार्रवाई कम ही कराते हैं, लोग डर जाते हैं, कई बार रिश्वत दे देते हैं। लेकिन अगर आप जो है जो विजिलेंस है, जो एंटी करप्शन ब्यूरो जिसका अभी नाम बदल दिया गया, अगर उनको कंप्लेन करें तो कार्रवाई भी करते हैं। और कार्रवाई इसीलिए करते हैं कि कोई भी रिश्वत ना मांगे, कोई भी जनता को परेशान ना करे। क्यों भैया? क्योंकि पब्लिक का काम होना चाहिए और उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, रिश्वत मांगा जाएगा। मांग रहे हैं 5 रुपए फीस है उसकी, 10,000 रुपए मांग रहे हैं। बताओ पहले बोला इसने 500 रुपए लूंगा। किस पद पर है अरुण भाटिया? ये सैलरी क्लर्क है। सैलरी क्लर्क है। हाँ।
अच्छा जी, सैलरी क्लर्क हैं और इनको पकड़वा दिया भाई साहब ने। आप रहते कहाँ हैं भाई साहब? ये संजीव नेहरू ग्राउंड, ये रहता है जवाहर कॉलोनी। जवाहर कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, और किसका बना रहे थे जन्म प्रमाण पत्र? संजीव भाटिया का। अच्छा, इनका अपना या बच्चों का? इनका अपना। अच्छा, अपना बनवा रहे। चलो ठीक है, अभी देखते हैं जब निकलेंगे तो फिर से लाइव दिखाएंगे। फिलहाल तो कार्रवाई चल रही है और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि निकलें तो हम उनकी सूरत भी दिखा दें भाई साहब, जिन्होंने इस रिश्वत कांड को अंजाम दिया है। देख रहे हैं यहाँ पर एक रेड अभी भी चल ही रही है, कागजी कार्रवाई अभी चल रही है। क्या हाल है? तो ऐसी रेड होती रहनी चाहिए, जो भी रिश्वत मांगते हैं उनको इसी तरह से अगर कार्रवाई की जाए, वैसे कार्रवाई करती रहती है। और आपने देखा होगा फिलहाल जो विजिलेंस, हरियाणा विजिलेंस टीम है, हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बहुत कड़ी कार्रवाई करते हैं। और पीछे भी कई लोगों को पकड़ा गया है, तो मुझे लगता है भैया निकाल रहे हैं। तो ये हैं भाई साहब, दिखा दो भाई कैमरा में। कोई बात नहीं, कोई बात, आप ले जाओ कोई बात नहीं। बाथरूम, चलो बाथरूम कराओ, कुछ भी कराओ, क्योंकि अभी इनको जेल भेजा जाएगा। तो पहले ठीक है भाई साहब, ठीक है जी, कार्रवाई चल रही, कोई बात। तो बाथरूम करा रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे ही अभी बाहर निकलते हैं फिर ये बयान कुछ देंगे, कुछ बताएंगे विजिलेंस टीम के लोग, तो फिर से लाइव दिखाएंगे। लगता है थोड़ी देर के लिए हमें वीडियो रोकना पड़ेगा और उसके बाद फिर से आपको लाइव दिखाएंगे। तो MCF दफ्तर जो BK चौक के पास है, वहीं पर ये कार्रवाई चल रही है और करीब करीब आधी कार्रवाई हो चुकी है और आधी कार्रवाई बाकी है। और गिरफ्तार किया जाएगा, फिर मेडिकल के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो जो भी होगी आपको बताएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कार्रवाई यहाँ पर हुई है और एक अच्छी कार्रवाई इसको माना जाएगा, क्योंकि लोग परेशान हैं रिश्वत दे देकर। कोई प्रॉपर्टी ID के नाम पर रिश्वत मांगता है, कोई डोमिसाइल के नाम पर रिश्वत मांगता है, कोई कुछ और कागज़ बनाने के नाम पर रिश्वत मांगता है। तो ये जो खेल चल रहा है, खेल चल रहा है और खेल का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि जब लोगों में डर होगा तभी रिश्वत मांगना छोड़ देंगे, जनता को परेशान करना छोड़ देंगे। और उसके बाद कहते हैं राम राज्य तभी आएगा जब रिश्वतखोरी ख़त्म हो जाएगी और ये क्राइम ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है और किस तरह की कार्रवाई होती है, आपको बताया जाएगा। फिलहाल हमने आपको दिखाई दिया है, कोई अगर बयान दिया जाएगा इनकी तरफ से तो भी दिखाएंगे। देखते हैं क्या बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकालेंगे तो भी आपको विजुअल दिखाएंगे। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं एक बड़ी कार्रवाई इसको माना जाएगा। संजीव जी नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। तो सही कहा आपने, कार्रवाई करा दी सुबह। हाँ जी, सुबह आपसे फोन किया था, हमारे साथ समस्या सर ऐसा था, मैं मेरा वो नहीं बन रहा था जन्म का प्रमाण पत्र। मैं आया यहाँ पे 9 तारीख को, मैंने इनसे कहा मेरा जन्म प्रमाण पत्र बना दो, साथ मेरे भाई साहब थे अश्विनी जी, ये इनके जानकार है अरुण भाटी, आ जाओ। तो क्या हुआ जी, मैं 9 तारीख को यहाँ पे, इन्होंने मेरे से 25,000 रुपए रिश्वत मांगी। मैंने कहा जन्म प्रमाण पत्र का जो फीस बनती है वो ले लो आप। इन्होंने कहा 25,000 रुपए लगेंगे, हम आपसे 25 के छोड़ के चलो आप हमें 10,000 रुपए दे देना। आज मैं आया, मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, यही ऑफिस में ही मांगे थे, खुले आम बिल्कुल 25,000 रुपए मांग रहा था। तो आज इसने मांगे, मैं आज आया, फिर उस दिन कह रहा चलो 10,000, आज मैं आया कहता 10,000, मैं कहा मेरे पास 10,000 रुपए नहीं, अभी 5,000 रुपए ले ले पांच बाद में। मुझे मतलब रिश्वत के लिए परेशान कर रहा था ये। मैंने इसकी कंप्लेंट विजिलेंस में करी, आपसे भी संपर्क करा, आपने भी सहायता करी सुबह। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। एक सपोर्ट किया। हाँ जी, हाँ जी, मैं अपनी आम अपनी पहले भी पार्टी में युवा जिलाध्यक्ष हूँ फरीदाबाद से, संजीव भाटिया। कोई बात नहीं, राजनीति से भी जुड़े हैं, राजनीति से भी जुड़े हैं। अगर कोई रिश्वत लेता है तो ये विजिलेंस इंस्पेक्टर हैं, वो आ रहे हैं। ये इंस्पेक्टर साहब बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, देखो अच्छा काम किया है इन्होंने, हमारी विजिलेंस की टीम है। हाँ, विजिलेंस की टीम है। तो अरुण भाटिया हैं जिनको पकड़ा गया है। क्या हाल है सर? बढ़िया जी। अच्छा जी, देखिए पूरी टीम है, अभी ले जा रहे हैं और इस मैटर में हमने आपको लाइव दिखाया। जो कंप्लेनेंट हैं, शिकायतकर्ता हैं, उन्होंने बताया है। सर नमस्कार सर, कुछ बताएंगे? आपके साथ ही चलूंगा। पकड़ लिया गया है और ले जा रहे हैं आगे की कार्रवाई के लिए। तो काफी अच्छा काम किया है विजिलेंस की टीम ने, आपने देखा होगा। हालांकि बयान नहीं देते, पूरी कार्रवाई ही करते हैं। सर सर नमस्कार, थोड़ा सा सर राम राम तो कर लीजिए। ठीक है, बधाई आपको। ठीक है, तो देख रहे हैं दोस्तों, पकड़ लिया है रेड हैंडेड
और पूरी टीम है और पूरी व्यवस्था से आई थी, और अरुण भाटिया को जो सैलरी क्लर्क है उनको गिरफ्तार किया है और फिलहाल एमसीएफ दफ्तर से उनको ले जाया जा रहा है आगे की कार्रवाई के लिए। तो देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर भीड़ भी जमा हो गई, और कार्रवाई की अपडेट हमें सुबह ही पता चल गई थी, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे रेड हो उसके बाद आपको लाइव दिखाएं, तो रेड हो गई, पकड़ लिया गया और ये ऑपरेशन आधा ख़त्म हो गया, आधा पूरा होगा जेल भेजने के बाद। तो कोई बात नहीं, जो भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।